दरभंगा नए साल में फैशन के जलवों से हिलने के लिए तैयार है। जनवरी की 21 तारीख को शहर के एसजी पैलेस में पहली बार एक विशाल और भव्य फैशन शो का आयोजन 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन के द्वारा होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां पूरे उत्साह के साथ जारी है। खास बात यह है कि फैशन की दुनिया से जुड़े नामचीन सितारे भी दरभंगा पहुंचेंगे, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े कलाकार शामिल हैं। 2020 में मिस दरभंगा रह चुकी है, क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म पे आने से यहाँ के यंगस्टरों को, जो उनका सपना था कि किसी तरह से चाहे वो बिहार के फिल्म इंडस्ट्रीज हो, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में चांस मिले, लेकिन उसके लिए सही लाइन नहीं मिल पाता है। ये प्लेटफॉर्म जो है 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन के द्वारा हमें मिल रहा है, तो इससे पहले भी मैंने शो किया था, बट ऐसा कुछ हुआ कि जिसके कारण मैं आगे नहीं कुछ कर पाई। तो ये जो प्लेटफॉर्म ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे जो हमारे यंगस्टर हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छा रास्ता मिल रहा है, जिसके थ्रू वो मॉडलिंग के करियर में या डांसिंग हो या सिंगिंग हो, उसमें वो आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ करके अपना जो मिथिला है, हमारा जो बिहार है, उसका नाम रोशन कर सके। और मैं एज अ रनवे मॉडल इस शो में एज अ कंटेस्टेंट मैं पार्टिसिपेट की हूँ, और मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो CEO हैं, वो जो है वो बहुत अच्छा ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और एक जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है वो भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे यहाँ के यंगस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आज से पहले किसी को मिला है। थैंक यू। कितने यंगस्टरों को चांस मिल सकता है और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी इन्होंने बात कही है? तो जहाँ रहमान सर है, फैज सर है, ये लोग मतलब फाइनेंशियली भी बहुत बच्चों को हेल्प भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि अगर वो मॉडलिंग के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, जो भी फील्ड है, तो हर फील्ड का इनके पास ऐसा स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये बच्चों को कि आगे जाके बच्चे कुछ नया कर सकते हैं और मिथिला के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू रहमान सर एंड 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन की उन्होंने यहाँ दरभंगा में भी ये सब करने का सोचा, क्योंकि दरभंगा में ये सब चीज़ का इतना अभी आगे हमारा यंगस्टर इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है दरभंगा में रहने के बाद। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड टीम मेंबर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, DFW फैशन वीक दरभंगा जिला में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक इस मॉडल, ये इंडस्ट्री मतलब ये फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी दरभंगा जिला के यूथ हैं और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये फैशन शो में बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का ये हमारा मकसद है, जितने भी यहाँ पे जिनके अंदर टैलेंट है, डांस, रैप, सिंगिंग, मॉडलिंग, ये तीनों चीज़ से रिलेटेड आप शोकेस कर सकते हैं हमारे फैशन शो में और अपने टैलेंट को हमारे एजेंसी के थ्रू दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हमारे वेन्यू स्पॉन्सर्स हैं SG होटल, SG पैलेस होटल, और जितने भी स्पॉन्सरशिप हमारे साथ टाई अप हो रही हैं और जितने भी मॉडल्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ लाइनअप कर रहे हैं नेक्स्ट इवेंट के लिए। और 21 जनवरी को हमारा ग्रैंड फिनाले ऑर्गेनाइज का डेट है। और इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये प्लेटफॉर्म सबसे डिफरेंट है। यहाँ के जितने भी कलाकार, हम लोग उनको सपोर्ट करके आगे इंडस्ट्री में लाइनअप करेंगे। और भी ये पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट, रनवे फैशन वीक, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, हम लोग लाइनअप करेंगे जहाँ तक हो सकता है। उद्देश्य क्या है इस इवेंट का करने का? उद्देश्य हमारा ये है, आपके पास टैलेंट है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ओके, अपने टैलेंट को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू शोकेस किया जाए। जिनके पास भी टैलेंट है और जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, अपने टैलेंट को हमारी कंपनी के थ्रू दिखाई। कौन कौन है अपने गेस्ट हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए? सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, नेपाल से एंकी सेथी है, चंद्र कला है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाले, वो बहुत जल्द आपके सामने पोस्टर और वीडियो क्लिप अनाउंस होगा।
अभी तक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए आपके, मतलब इससे पहले भी आप लोगों ने टेस्टिंग कर चुके हैं काफ़ी सारे, तो ग्रैंड फिनाले में कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? ग्रैंड फिनाले में हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री में रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी तक तो 50 कंटेस्टेंट आ चुके हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमारे 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन पे इंस्टाग्राम आईडी हमारी, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं, उनका ऑडिशन क्लिप, उनका इंट्रोडक्शन क्लिप हमारे 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन पे सेंड कर सकते हैं, फिर हमारी कंपनी आपको टाइप करेगी। यानी वो लोग आपको इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट करें और अपना कोई वीडियो बना करके दें। हाँ, अपना टैलेंट का वीडियो क्लिप सेंड करें, 1 सेकेंड का या 1 मिलियन का समथिंग। अच्छा, तो फिर वो कैसे आप उनको चूज करते हैं? हम देख करके ऑडिशन लेते हैं। ऑडिशन हमारे ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं प्रॉपर। ये 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन है, मेरा प्रोडक्शन हाउस और ड्रीम फैशन वीक दरभंगा का मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दरभंगा में इस आज से पहले बहुत शोज हुए हैं, हमारे बच्चों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो हक छीना जा रहा है, और हमारे जो मिथिला और दरभंगा बहुत पीछे है इस चीज़ों में, बाहर में इनका बहुत इशूज़ होते हैं, यही कारण है कि मुझे यहाँ पे शो करना पड़ रहा है और अपने मिथिला के और दरभंगा के बच्चों को आगे ले जाने के लिए मैं ये शो ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। और 21 जनवरी को मेरा ग्रैंड फिनाले है, 25 दिसंबर को आपका नियर चर्च के पास हमारा एक कैंप लगेगा, जहाँ पे जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है वहाँ पे आके करेंगे, और आपका राज में मनोकामना साइड आपका श्यामा मंदिर के पास आसपास नियर में वहाँ पे भी हमारा आपको 31 उनको कैंप लगेगा, वहाँ पे भी जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो आ सकते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मैं चाहता हूँ दरभंगा के जितने भी बच्चे हैं जो भी इस शो में भाग लेना चाह रहे हैं वो आके लें और अपना टैलेंट दिखाएं, ताकि वो अपना टैलेंट दिखाएंगे हमारे पास, हमारे जजों के पास, तो तभी हमारा दरभंगा आगे ग्रो करेगा। और देख ही रहे हैं कि आप हमारे पास बगल में छोटी आराध्या बैठी हुई हैं, ये अपने कला से बहुत लोगों का मन मोह रही है और ये कोशिश कर रही है कि बहुत आगे जाना, और देख ही रहे हैं आप हमारे बगल में मिस दरभंगा बैठी हुई हैं, वो 2022 में मिस दरभंगा रह चुकी हैं, जयसिका है, यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक डांसर भी है और मॉडलिंग भी करती है, जो कि यह बहुत दरभंगा के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है। यही चीज़ को हम चाहते हैं कि टैलेंट जो है हमारे बच्चों में वो आगे जाए यहाँ मुंबई तक। क्या नाम है? मेरा नाम मिस्टर रहमान है और मैं इस शो का ऑर्गेनाइज़र हूँ और डायरेक्टर हूँ।